एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल ग्राउंडेड टू ग्रो। तो कल जैसे कि हम चैप्टर 7 डायरेक्टिंग में मोटिवेशन के बारे में पढ़ रहे थे, आज हम उसी टॉपिक के बारे में फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे, जिसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक है मास्लोज नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। बेसिकली मास्लो एक इंडिविजुअल था जिसने एक हायरार्की की मतलब जिसने एक थ्योरी दी है हायरार्की की फॉर्म में कि कोई भी इंडिविजुअल जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है उसको किस किस लेवल के हिसाब से मोटिवेशन चाहिए होती है। मतलब जब वो कंपनी ज्वाइन करता है तब उसे किस प्रकार की मोटिवेशन चाहिए, थोड़े टाइम बाद किस टाइप की मोटिवेशन चाहिए एंड सो ऑन। तो ये जो उन्होंने हायरार्की बनाई है इसे कहा जाता है मास्लोज नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। मतलब जो भी एम्प्लॉय काम कर रहा है उसकी नीड के हिसाब से हम उसको मोटिवेट करें। तो हम इस जो हायरार्की है उसको स्टडी करेंगे। फर्स्ट स्टेप होता है बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स। इसका मतलब क्या होता है कि जब कोई भी इंडिविजुअल हमारी कंपनी को ज्वाइन करता है तो उसका सबसे पहला मोटिव क्या होता है कि वो अपनी बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स को फुलफिल कर पाए इस जॉब के थ्रू जो वो कर रहा है। अब बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स जो होती हैं उनमें क्या क्या आ सकती हैं, लाइक सपोज फूड, शेल्टर, क्लॉथ एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो एकदम मिनिमम बेसिक नीड्स होती हैं ह्यूमन की सर्वाइव करने के लिए, वो आती हैं बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स में। मतलब सबसे पहले एक इंडिविजुअल क्या चाहेगा कि जहाँ पे भी वो जॉब कर रहे हैं उसकी वजह से उसे इतना मिल पाए कि वो अपनी ये जो बेसिक नीड्स हैं उनको फुलफिल कर पाए। नेक्स्ट आता है जब उसे लगता है कि उसकी जो साइकोलॉजिकल बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स हैं वो उस जॉब से फुलफिल हो पा रही है, तो वो दूसरे स्टेप पे हायरार्की के दूसरे स्टेप पे मूव ऑन कर जाता है, दैट इज़ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। बेसिकली सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स का मतलब क्या होता है कि जब एक इंडिविजुअल को एम्प्लॉय को लगेगा कि हाँ उसकी बेसिक नीड्स तो फुलफिल हो पा रही हैं तो वो ये चाहेगा कि उसकी जो जॉब है वो स्टेबल हो जाए, मतलब वो कंपनी में परमानेंट हो जाए या फिर कोई इंस्टेबिलिटी ना हो उसकी लाइफ में या फिर उसकी लाइफ सिक्योर हो जाए। तो यहाँ पे एक तरीके से इसका एग्जांपल हो सकता है जॉब सिक्योरिटी। तो जॉब सिक्योरिटी के जैसे एग्जांपल जो है वो सेकंड नीड में आएंगे, दैट इज सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। थर्ड है एफिलिएशन एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स। एफिलिएशन एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स का मतलब क्या होता है कि जब एम्प्लॉय को फील होगा कि हाँ उसकी जॉब भी परमानेंट है, उसकी नीड जो है बेसिक जो नीड्स है वो भी फुलफिल हो पा रही है, तो वो जो उसके आसपास का एनवायरनमेंट है, सराउंडिंग्स में जो कलीग है, वो अब उसकी उसकी ये इच्छा होगी, उसकी ये नीड होगी कि उसके अपने आसपास वालों के साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन हो, उसकी इमेज बनी रहे या फिर उसकी एक अच्छी इमेज बने अपने कलीग्स या उसके कलीग्स की नज़रों में, दैट इज़ कॉल्ड एफिलिएशन एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स। मतलब गुड रिलेशंस विद कलीग्स। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा एफिलिएशन एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स का मतलब गुड रिलेशन विद द कलीग्स। अब फोर्थ जो है वो होता है एस्टीम नीड्स। बेसिकली हमारी बेसिक नीड्स भी सेटिस्फाई हो गई, हमारी जॉब भी सिक्योर हो गई है, हमारे जो हमारे कलीग्स हैं उनके साथ रिलेशंस भी बहुत अच्छे हैं, तो अब हम क्या चाहेंगे कि जो हमारी इमेज है वो और अच्छी हो जाए, हमें सेल्फ रिस्पेक्ट मिले, हमारी जो इमेज है वो और अच्छी हो जाए, या फिर जो हमारे जूनियर्स हैं वो हमें रिस्पेक्ट करें, इनफैक्ट हमारे सीनियर्स भी हमें रिस्पेक्ट करें। हमें ऐसी एस्टीम नीड्स हमें फुलफिल करनी है। इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन कि उसके लिए क्या एस्टीम नीड्स है। इसका एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट या फिर रिस्पेक्ट अमंग ऑर्गेनाइजेशंस एम्प्लॉयज। मतलब कि जो इंडिविजुअल है वो ऑर्गेनाइजेशन में जो दूसरे एम्प्लॉयज़ हैं उनसे रिस्पेक्ट अर्न कर पाए, ये होता है
आता है फोर्थ नीड एंड द लास्ट वन इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। बेसिकली सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड का मतलब क्या होता है कि जो भी इंडिविजुअल है उसने ये सारी नीड्स पूरी कर ली, लेकिन एक्चुअल में जो वो अंदर से चाहता था, लाइक सपोज उसने पूरा काम किया लेकिन वो ये चाहता था कि वो इस कंपनी का CEO बन जाए या MD बन जाए, जो उसका मेन मोटिव था जो अभी भी वो नहीं पूरा कर पाया है इन सब के बाद, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं कि अगर किसी एम्प्लॉय के मन में कोई ऐसी एक्टिविटी जो अपनी वो पूरी लाइफ में ऑर्गेनाइजेशन में नहीं कर पाया लेकिन करना चाहता था, तो उसको जब वो पूरा करेगा दैट इज़ कॉल्ड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। तो ये थी सारी नीड्स जो स्टेप बाय स्टेप एक इंडिविजुअल के, एक एम्प्लॉय के मन में आती हैं कि वो टाइमली फुलफिल हो पाए, ताकि वो जो एम्प्लॉय है वो मोटिवेटेड रहे। तो ये हमने पढ़ी कि मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी क्या होती है। अब हम पढ़ेंगे कि मोटिवेशन किस किस तरीके से की जा सकती है। तो अभी हमने पढ़ी थी कि मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। अब हम पढ़ेंगे कि किसी भी कंपनी में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट किस तरीके से किया जा सकता है। बेसिकली एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट दो तरीके से किया जा सकता है, या तो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स या फिर नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स मतलब जिसमें मनी रिलेटेड हो, और नॉन फाइनेंशियल जिसमें मनी रिलेटेड ना हो। तो पहले हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के बारे में। ये 7 इंसेंटिव्स होते हैं अलग अलग तरीके के, जिनको अगर हम एम्प्लॉयज़ को दें तो वो मोटिवेट हो सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है पे एंड अलाउंस। पे एंड अलाउंस को सिंपली हम जो बेसिक मिनिमम सैलरी एक एम्प्लॉय को मिलती है उसे लेते हैं। बेसिकली अगर एक एम्प्लॉय को मंथली सैलरी नहीं मिलेगी तो वो काम ही नहीं करेगा ऑर्गेनाइजेशन में, या तो छोड़ देगा या फिर वो प्रोटेस्ट करेगा। तो सबसे मेन है कि उसे जो उसकी बेसिक मिनिमम मंथली सैलरी है वो प्रोवाइड की जाए। नेक्स्ट है प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेजेस। प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेजेस का मतलब क्या होता है, लाइक सपोज हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एक बड़ा प्रोजेक्ट आया जो हमें शॉर्ट टर्म में पूरा करके देना था, तो हमने अपनी जो लेबर थी उसे कहा कि तुम ओवरटाइम करो, और जो तुम ओवरटाइम करो उसका तो हम तुम्हें अभी पैसा नहीं देंगे, लेकिन जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो हम तुम्हें उस ओवरटाइम का ज़्यादा पैसा देंगे। मतलब कि जब हमने प्रोडक्टिविटी के लिए, प्रोडक्शन इंक्रीज हुई क्योंकि हमने ज़्यादा ओवरटाइम कराया, तो उसके लिए हमें वेज भी इंक्रीज करनी पड़ेगी, वरना जो हमारे वर्कर्स हैं वो कहेंगे कि हम तुम्हारे लिए इसी सैलरी में ज़्यादा काम क्यों करें। तो इसीलिए अगर हमें उनसे ज़्यादा काम कराना है तो उनकी वेजेस को भी प्रोडक्टिविटी से लिंक करके इंक्रीज कर देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग का मतलब क्या होता है, सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन थी वो नॉर्मल रन में अच्छी चल रही थी, लेकिन अचानक से कुछ बिजनेस एनवायरनमेंट में या कोई भी प्रोजेक्ट ऐसा मिला जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, तो अगर वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ तो उस ऑर्गेनाइजेशन की ड्यूटी बनती है कि वो जो इतना प्रॉफिट हुआ है उसे वो अपने रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्स के साथ शेयर करें। क्योंकि अगर वो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ तो उस प्रॉफिट को शेयर करेंगे तो एम्प्लॉयज़ जो हैं वो तो सैटिस्फाइड फील करेंगे ही, बल्कि बहुत खुश होंगे कि हमारी कंपनी हमारे बारे में भी सोचती है। कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो उन्होंने सिर्फ अपने पास नहीं रखा बल्कि हमें भी दिया, तो इससे भी जो एम्प्लॉयज़ हैं वो मोटिवेट हो सकते हैं। नेक्स्ट है परक्विजिट्स। परक्विजिट्स का मतलब क्या होता है, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट से हम इसको लिंक कर सकते हैं कि अपार्ट फ्रॉम द सैलरी वेजेस जो हम अपने एम्प्लॉयज़ को दे रहे हैं, उन्हें हम अदर सोशली रिलेट सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड बेनिफिट्स भी दें, जैसे कि मेडिकल इंश्योरेंस, कार अलाउंस या ट्रांसपोर्ट अलाउंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सब आते हैं परक्विजिट्स के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है को पार्टनरशिप। को पार्टनरशिप को समझने के लिए इसका एग्जाम्पल है ESOP। ESOP मीन्स एम्प्लॉय स्टैंडिंग ऑप्शन प्लान। बेसिकली को पार्टनरशिप क्या होती है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने एम्प्लॉयज़ को ही अपना पार्टनर बना ले कंपनी में। अब ये कैसे होता है और ESOP क्या होता है इसको हम देखते हैं। बेसिकली ESOP होता है एम्प्लॉय स्टैंडिंग ऑप्शन प्लान, जिसमें जो कंपनी है,
सपोज ए कंपनी एक्स, वो अपने जो शेयर्स हैं उन्हें पब्लिक में इशू करने की जगह अपने एम्प्लॉयज में इशू करती है एट अ रेट विच इज़ लोअर देन द मार्केट प्राइस। सपोज जो एक्स कंपनी थी वो अपने शेयर को अगर मार्केट में बेचती तो वो 10 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से बिक जाता, लेकिन जो कंपनी थी उसने सोचा कि यार मैं अपने एम्प्लॉयज़ को ही अपना पार्टनर बना लेती हूँ, तो उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को कहा कि अगर मैं मार्केट में बेचूँगा मुझे 10 रुपये का मिलेगा, लेकिन आप लोग जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हो वो ₹8 में शेयर परचेज करके मेरी कंपनी का पार्ट बन सकते हो और मेरी कंपनी में को पार्टनरशिप बन सकते हो। तो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसा किया तो जो एम्प्लॉयज़ हैं वो सोचो कितने खुश होंगे कि यार हम तो एम्प्लॉयज़ से मालिक बन गए, कंपनी के पार्टनर बन गए। तो ऑब्वियसली ये उन्हें मोटिवेट करेगा कि हम अच्छे तरीके से काम करें, क्योंकि इस ऑर्गेनाइजेशन में हम भी पार्टनर हैं, हमारा भी पैसा लगा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है रिटायरमेंट बेनिफिट्स। रिटायरमेंट बेनिफिट्स का मतलब एक जो एम्प्लॉय है, इंडिविजुअल है, उसे अगर ये ट्रस्ट होगा, उसे अगर ये बिलीव होगा कि जब वो रिटायर होगा इस ऑर्गेनाइजेशन से उस तो उसे बेनिफिट्स मिलेंगे जो उसकी रिटायरमेंट के बाद की लाइफ में उसे हेल्प करेंगे। और इसके कुछ एग्जांपल होते हैं पीएफ, प्रोविडेंट फंड या ग्रेचुटी एक्सेट्रा। लास्ट है बोनस। बोनस का मतलब क्या होता है? इंसेंटिव अबव वेजेस, मतलब जो नॉर्मल सैलरी मिल रही है उससे ज़्यादा आपको किसी मंथ में अगर इंसेंटिव मिलता है तो उसे बोनस कहते हैं, जैसे इंडिया में दिवाली बोनस दिया जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स थे फाइनेंशियल इंसेंटिव के। अब इसके लिए जो मेमोरी टेक्निक है वो है हमें पी के हमें पी से ज्वेलर्स और RBI चाहिए। बेसिकली फाइनेंशियल इंसेंटिव किससे रिलेटेड होता है? मनी से। मनी से कौन डील करता है? RBI। तो उसी से इसको लिंक कर लेते हैं कि हमें फाइनेंशियल इंसेंटिव के रूप में आप PC ज्वेलर्स और RBI दे दो। ऐसा कुछ है नहीं, इज जस्ट अ लाइन टू रिमेंबर। ऐसा कोई सोचना मत कि असली में होता है, इट्स जस्ट अ मेमोरी टेक्निक जो मैंने बनाई है कि हमें फाइनेंशियल इंसेंटिव के तौर पे आप PC ज्वेलर्स और RBI दे दो, या हमें PC ज्वेलर्स और RBI चाहिए एज इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल इंसेंटिव। अब इसमें जो ये हमने लिखे हैं P4 से पे एंड अलाउंस, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेजेस, प्रॉफिट शेयरिंग एंड परक्विजिट्स, C से है को पार्टनरशिप, और फिर RBI के R और B से है रिटायरमेंट बेनिफिट्स एंड बोनस। तो ये थे फाइनेंशियल इंसेंटिव जो मनी से रिलेटेड थे, जिससे हम अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के बारे में, मतलब वो इंसेंटिव्स जिसमें मनी इन्वॉल्व नहीं होती लेकिन फिर भी वो मोटिवेट करने में हमारे एम्प्लॉयज को हेल्प करती है। तो अभी हमने पढ़े फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, अब हम पढ़ेंगे नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के बारे में। मेनली हमारे पास 8 नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स मेंशन है हमारी बुक में, तो चलिए उनको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट। ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट का मतलब क्या होता है कि अगर हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन या जो वर्किंग कंडीशन है जहाँ पे एम्प्लॉयज काम कर रही है, अगर वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा होगा तो जो एम्प्लॉयज़ हैं वो ऑब्वियसली मोटिवेटेड फील करेंगे काम करने के लिए। लाइक सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे जो एनवायरनमेंट है, डेकोर है, वो बहुत सुंदर है, बहुत इंटरेस्टिंग है, तो जब भी एम्प्लॉयज वहाँ आएंगे वो फ्रेश फील करेंगे, मोटिवेटेड फील करेंगे काम करने के लिए। लेकिन दूसरी ही जगह एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे ना तो साफ़ सफाई है, ना ही कोई इंटरेस्टिंगनेस है डेकोर में, या फिर जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी एक साथ मिल बैठ के बात नहीं करते हैं, तो वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो हैप्पी नहीं रहेंगे और ना ही मोटिवेट हो पाएंगे। तो क्लाइमेट जो है ऑर्गेनाइजेशन का वो बहुत हेल्प करता है मोटिवेट करने में एम्प्लॉयज को। नेक्स्ट है जॉब एनरिचमेंट। जॉब एनरिचमेंट का मतलब क्या होता है कि हम टाइम टू टाइम जो उनकी किसी भी इंडिविजुअल की जॉब है उसको इंटरेस्टिंग बनाते रहें, मतलब उनको ऐसे टास्क देते रहें जो उनकी रेगुलर जॉब या जो वो रेगुलर एक्टिविटीज़ करते हैं उससे कुछ डिफरेंट हो। वरना अगर ऐसे
ऐसा होगा कि हम उनसे रेगुलरली एक ही तरीके की एक्टिविटी कराएंगे तो जो एम्प्लॉयज़ हैं ह्यूमन ही तो है यार, वो भी बोर हो जाएंगे और ना ही उनका काम में मन लगाएगा और ना ही वो मोटिवेटेड फील करेंगे। लेकिन अगर हम उनको टाइम टू टाइम न्यू इंटरेस्टिंग जॉब्स देंगे करने के लिए तो वो मोटिवेटेड फील करेंगे, एंथुजियाज्म से भरे रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है जॉब सिक्योरिटी। बेसिकली अगर एक एम्प्लॉय को ये कन्फर्म है कि वो इस जॉब में सिक्योर है, परमानेंट है, तो वो उसी अपनी जॉब को बेटर करने की कोशिश करेगा। हालांकि अगर एक एम्प्लॉय उसे पता है कि वो टेम्परेरी बेसिस पे है और उसे एक या दो महीने में निकाल ही देंगे, तो वो यही सोचेगा कि जब मैं एक दो महीने में निकल ही जाऊँगा तो मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्यों मेहनत करूँ। हाँ, और वहीं दूसरी जगह जो परमानेंट है वो यही सोचेगा कि मैं इस यहाँ पर परमानेंट हूँ इस ऑर्गेनाइजेशन में, तो मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा काम करना है जिससे मुझे ही बेनिफिट होगा। तो ये भी एक मोटिवेशन होती है जॉब सिक्योरिटी। नेक्स्ट है एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम। बेसिकली एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम्स का मतलब क्या होता है कि टाइम टू टाइम हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते रहने चाहिए जिसमें हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी जो अदर स्किल्स है रादर देन द स्किल्स रिक्वायर्ड टू डू द जॉब्स वो भी ऊपर आएँ, और साथ ही साथ जो उनकी स्किल्स हैं उनको रिकॉग्नाइज भी किया जाए, उनको सर्टिफिकेट मेमोरियल या फिर कोई भी प्राइज़ दिया जाए। लाइक सपोज हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक इवेंट प्लान किया कि आपको अगर कोई भी और स्किल आती है जैसे म्यूज़िक, डांस, पेंटिंग, एनी अदर थिंग, तो आप पार्ट ले सकते हो और जो जो विनर्स होंगे उन्हें प्राइज़ दिए जाएंगे। तो अगर ऐसे प्राइजेस दिए जाएंगे तो जो एम्प्लॉयज़ हैं वो मोटिवेटेड फील करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन के लिए फेथफुल रहेंगे काम करने के लिए। नेक्स्ट है एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन। एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन का मतलब क्या होता है कि हमें जो मैनेजमेंट है उसे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनसे भी रिव्यूज़ लेते रहने चाहिए, उनके जो आइडियाज़ हैं उनको भी सुनना चाहिए। क्योंकि अगर जो लाइक सपोज जो हमारे सीनियर हैं अगर हम उनको अपना आइडिया बताएं, उन्हें अच्छा लगे, अगर वो उसको आगे फॉरवर्ड करें तो जो वो एम्प्लॉय है जिसका आइडिया है वो सोचो कितना मोटिवेटेड फील करेगा। लेकिन अगर दूसरा बॉस उसको सुनेगा ही नहीं तो वो ऑब्वियसली डीमोटिवेट ही होगा। तो इसीलिए एम्प्लॉयज़ के जो आइडियाज़ हैं, क्रिएटिव आइडियाज़, उनको सुनना चाहिए जिससे भी वो मोटिवेटेड फील करते हैं। नेक्स्ट है एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। एम्प्लॉय एम्पावरमेंट को आप डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी से लिंक कर सकते हो कि हमें अपने सबॉर्डिनेट्स को भी अथॉरिटी देनी चाहिए डिसीजंस लेने की, जिससे कि वो एम्पावर हो और वो मोटिवेटेड फील करे कि हमें इस काम के लिए चुना गया, हम इस काम के लायक समझे गए, इसलिए हमें बेस्ट करके दिखाना है इस काम के लिए। नेक्स्ट है स्टेटस। बेसिकली हमें जो जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको हम स्टेटस प्रोवाइड करते हैं, उनकी जॉब की पोजीशन प्रोवाइड करते हैं। तो अगर उनकी जॉब जो है वो अगर आगे बढ़ती रहे, मतलब लाइक सपोज उनका स्टेटस पहले था लाइक सपोज दे वर वर्कर्स, उससे वो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे आ गए, सुपरवाइज़र बन गए, तो ऑब्वियसली सोचो वो कितना मोटिवेटेड फील करेंगे। लास्ट पॉइंट है करियर एडवांसमेंट प्रोग्राम्स। करियर एडवांसमेंट प्रोग्राम्स को आप ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से लिंक कर सकते हो कि हमें टाइमली ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने चाहिए जिससे कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपनी स्किल्स को भी डेवलप कर सके और अपने करियर के बारे में भी अपने फ्यूचर को भी बेटर कर सके। तो ये सारे थे नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। अब इनके लिए जो मेमोरी टेक्निक है वो है ये कि क्लाइमेट के हिसाब से जर्सी चाहिए। जर्सी मतलब जो लाइक हम पुलोवर्स वगैरह पहनते हैं विंटर्स में, तो क्लाइमेट के हिसाब से ही हमें पुलोवर चाहिए, मतलब जब क्लाइमेट है हमें तभी चाहिए। वैसे ही जब ज़रूरत हो तब नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हमें चाहिए। तो अब हम इसमें देखते हैं कि ये और ये कैसे मैच करते हैं। फर्स्ट है सी से क्लाइमेट, यहाँ पे भी क्लाइमेट के हिसाब से ऐसे जर्सी सबसे मेन है। इसमें आपको 6 पॉइंट्स मिल जाएंगे इसमें से आउट ऑफ 8। जे स्क्वायर से जॉब एनरिचमेंट एंड जॉब सिक्योरिटी, ई क्यूब से एम्प्लॉय रिकॉग्निशन, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन एंड एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, एस से है स्टेटस, और फिर चाहिए का जो सी है उससे है करियर एडवांसमेंट प्रोग्राम। तो ये थे नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। इसी के साथ हमारा जो मोटिवेशन का टॉपिक है वो ख़त्म होता है। अब हम पढ़ेंगे लीडरशिप के बारे में। तो अभी तक हमने
डायरेक्टिंग के दो एलिमेंट्स को डिटेल में पढ़ लिया है, जो कि थे सुपरविजन एंड मोटिवेशन। अब हम अपने तीसरे एलिमेंट को देखेंगे, दैट इज लीडरशिप। लीडरशिप की सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं कि लीडरशिप होती क्या है। इट इज़ अ प्रोसेस जिसमें हम इंडिविजुअल के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं ताकि हम उनसे काम करवा के अपना गोल अचीव कर सकें। इन शॉर्ट, लीडरशिप एक प्रोसेस है जिसमें हम इंडिविजुअल को भी इन्फ्लुएंस करते हैं ताकि वो काम करे जिससे हमारा गोल अचीव हो सके। यही इसकी डेफिनेशन में लिखा है, प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल्स बिहेवियर बाय मेकिंग देम वर्क फॉर गोल अटेनमेंट या फिर टू अचीव द गोल। आज की क्लास में हम लीडरशिप के बारे में उसकी इम्पोर्टेंस और उसके फीचर्स को पढ़ेंगे, और कल की क्लास में हम क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड लीडर एंड टाइप्स ऑफ लीडरशिप के बारे में पढ़ेंगे। तो अब हमने इसकी डेफिनेशन तो पढ़ ली, अब हम पढ़ते हैं इसकी इम्पोर्टेंस क्या क्या होती है और इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं, दैट इज़ ऑफ लीडरशिप। अभी हमने लीडरशिप की डेफिनेशन पढ़ी, अब हम पढ़ेंगे आज की क्लास के लास्ट टू टॉपिक्स, दैट इज फीचर्स एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले फीचर्स से। फर्स्ट फीचर है कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस। ये हमने डेफिनेशन में भी देखा कि लीडरशिप एक प्रोसेस है एंड इट इज़ अ कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस, मतलब ये हमें करते रहना होता है, ऐसा नहीं है कि एक बार किया फिर थोड़ा टाइम करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट है डन टू अचीव अ कॉमन गोल। ये भी हमने इसकी डेफिनेशन में देखा कि हम लीडरशिप क्यों करते हैं, फॉर द गोल अटेनमेंट, मतलब अपने ऑब्जेक्टिव, अपने गोल को अचीव करने के लिए ही हम लीडरशिप फॉलो करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एबिलिटी ऑफ वन टू इन्फ्लुएंस अदर्स। बेसिकली लीडरशिप होती क्या है कि एक जो लीडर है वो ग्रुप ऑफ पीपल को लीड करे। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि एक ही एबिलिटी है बाकी के इंडिविजुअल्स को लीड करने की। सो दैट इज लीडरशिप शोज द एबिलिटी ऑफ वन टू इन्फ्लुएंस और टू लीड अदर्स। लास्ट पॉइंट है इंटरपर्सनल रिलेशंस। बेसिकली ऐसा हो सकता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में ये सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो एक को ना जानते हों, लेकिन एक न्यू प्रोजेक्ट ऐसा आया जिसके लिए हमने एक को हायर किया ताकि वो इस प्रोजेक्ट में डील कर सके, और जब उसे यहाँ पर लीडर बनाया गया इस ग्रुप का, तो उसने सबके साथ ऑब्वियसली उसके रिलेशन मेंटेन हो जाएंगे एज अ फ्रेंड और एज अ लीडर, एज अ गाइड। एनी टाइप ऑफ रिलेशन कैन बी फॉर्म्ड बिटवीन द लीडर एंड द इंडिविजुअल्स हु आर बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय द लीडर। तो ये चार थे फीचर्स। अब हम पढ़ेंगे कि लीडरशिप क्यों ज़रूरी है या फिर इम्पोर्टेंस ऑफ लीडरशिप। फर्स्ट पॉइंट है इट हेल्प्स टू इन्फ्लुएंस द पीपल पॉजिटिवली। बेसिकली लीडरशिप, जो लीडर है वो हमेशा उसके अंडर जितने भी एम्प्लॉयज़ या जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उनको हमेशा इन्फ्लुएंस ऐसे ही करेगा जिससे सबका बेनिफिट हो। वो कभी ये नहीं बोलेगा कि तुम कोई गलत काम करो, क्योंकि ही हैज़ टू पॉजिटिवली लीड और इन्फ्लुएंस द ग्रुप। नेक्स्ट पॉइंट है इंट्रोड्यूस नेसेसरी चेंजेस। बेसिकली अगर कोई भी चेंज आता है प्रोजेक्ट से रिलेटेड, तो ऑब्वियसली वो लीडर ही है जो पूरे ग्रुप को बताएगा, उन्हें समझाएगा कि अब हमें क्या क्या चेंजेस करने हैं अपने प्लान में और अब हमें कैसे कैसे फर्दर मूव करना है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोवाइड ट्रेनिंग। ऑब्वियसली जब कोई स्पेशलिस्ट अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जो हैं उन्हें इन्फ्लुएंस कर रहा है, उन्हें लीड कर रहा है, तो वो जो अपनी स्किल्स हैं उसकी जो नॉलेज है वो ऑब्वियसली अब उसके जो स्टूडेंट्स हैं या उसके जो ग्रुप मेंबर्स हैं उनको इम्पार्ट करेगा, जिसकी वजह से एक तरीके से ट्रेनिंग भी हो जाती है इंडिविजुअल्स की अंडर द लीडरशिप ऑफ द लीडर। नेक्स्ट पॉइंट है रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट्स। बेसिकली अगर ऐसा होता कि एक प्रोजेक्ट दिया जाता जिसके तीन मेंबर थे, 1, 2, 3, तो तीनों को ऐसे बोला गया कि आप तीनों मिलजुल कर इस काम को कर लेना। अब एक टॉपिक आया जिसमें उन तीनों को अपने अलग अलग व्यूज़ दिए, एक ने कहा कि ऐसे करो, दूसरे ने कहा ऐसे, तीसरे ने कहा ऐसे, तो कॉन्फ्लिक्ट राइज हो गए कि किस तरीके से किया जाना चाहिए ये काम। लेकिन अगर सपोज 1, 2, 3 का जब ग्रुप बनाया गया तो इसमें कह दिया गया कि
कि जो सेकंड वाला है वो तुम्हारा लीडर है, वो तुम्हें इस ग्रुप में, इस प्रोजेक्ट में लीड करेगा। तो अगर जैसे कि 1, 2, 3 ने आइडियाज़ बताए, तो ये जो डिसीजन लेने की पावर होती है कि कौन सा आइडिया फॉलो करना है या कौन सा मेथड यूज़ करना है, वो पावर, वो अथॉरिटी किसके पास होती है? 2 के पास, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट अराइज नहीं होते। तो ये थे फीचर्स एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप। इसी के साथ हम आज की क्लास ख़त्म करते हैं। डू लाइक आर वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आर चैनल। टिल देन थैंक यू।